आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमारे आसपास जो हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है और प्रोवाइडेड कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो जिसकी सहायता से हम उस रिसोर्स का यूज़ कर सकें, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब हमारे पास उस चीज़ को उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेचर से पैसे हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल और हमारे कल्चर में उस रिसोर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया हो, उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि वो एक रिसोर्स है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या कुछ हो गया, जो भी हमें नेचर से मिल सकता है या मिलता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि हम उसको हार्नेस कर लें, पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं और लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा रिसोर्स बन जाता है। अब एक हमारा बहुत ही अच्छा सा ये ग्राफ है, टेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसको बनाएगा एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से ही ह्यूमन बीइंग किस किस चीज़ पे इंटरडिपेंड है और क्या क्या रिलेशन है उसका। ह्यूमन बीइंग डिपेंड करता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पे, नेचर पे, जो हमारी चीज़ें आसपास हैं, और उन चीज़ों को हार्नेस करने के लिए, रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए हमें चाहिए होती टेक्नोलॉजी। और ये सब चीज़ें हमारी कहाँ बनती हैं, कहाँ हम लोग टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, कहाँ हम सब कुछ मिलता है, उसका जो पूरा एक इंस्टीट्यूशन होता है उस पर भी ह्यूमन बीइंग काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अब रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन, तो रिसोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। अब वो क्या होता है, नेचुरल देखते हैं पहले, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा दोबारा आ सकता है, जैसे कि विंड हो गया, सन हो गया, और ट्रीज़ हो गए हमारे, रेन हो गई, ये सारे के सारे रिन्यूएबल हैं। तो कंटीन्यूअस और फ्लो में आ जाता है विंड, वाटर, और बायोलॉजिकल में आ जाता है हमारी नेचुरल वेजिटेशन, ट्रीज़ और हमारी वाइल्ड लाइफ, जैसे कि हमारे जो जानवर हैं। अब नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं बन सकता है, उसमें वो भी दो टाइप का होता है, रिसाइकलेबल मतलब जो एक बार यूज़ कर लिया, डिस्कार्ड कर दिया, फिर उसमें कुछ चेंजेस करके फिर से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आयरन है, एक आयरन की सेफ बनी है जिसमें हम सामान रखते हैं अपना, अलमीरा, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया, हमें ख़राब हो गई, फिर उसको मेल्ट करने के बाद हम दोबारा कोई और चीज़ भी बना सकते हैं, तो ये क्या हो गई, नॉन रिन्यूएबल है। दोबारा हम लोग लोहा बना के अर्थ में नहीं डाल सकते हैं, मगर जो हमारी एक और एक बार हमने सेफ बना लिया, उसको मेल्ट करने के बाद हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसलिए वो रिसाइकल कर सकते हैं, तो रिसाइकलेबल है। नॉन रिसाइकलेबल है मतलब जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल है, हमारे जो नेचुरल गैस है और कोयला है, ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा एक बार ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, कुछ नहीं हो सकता है इनका दोबारा, तो ये नॉन रिसाइकलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स के बात में करते हैं तो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब है, क्वालिटी की मतलब कितना एजुकेटेड है वो, हेल्थ कैसी है उसकी, ये सारी चीज़ें आती हैं क्वालिटी में। क्वांटिटी मतलब नंबर, कितने लोग हैं, पॉपुलेशन कितनी है। अब स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन ह्यूमन में, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि एज स्ट्रक्चर मान लीजिए कि कितनी एज है लोगों की, फीमेल है, मेल है। इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया जैसे कि कोई फैमिली है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं। अब हमें ये दिखाया गया है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम नेचर में जो भी अवेलेबल है, हमें नेचर में मिलती है, उसको अगर हमें चेंज करना है या फिर अगर हम उसे यूज़ करना है, तो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनती है जो हमने पहले देख लिया था, नेचर में, टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशन में। ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो एक तो ये वाला ट्रायंगल वाला डायग्राम बना सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स में, चीज़ों को बदलने में, नेचर होगी तभी तो हम वहाँ से चीज़ लेंगे, टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको हम बदलेंगे, और इंस्टीट्यूशन में हम उसे यूज़ करेंगे। और फिर आगे बोलते हैं हमें कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और बनाते हैं इंस्टीट्यूशन जिसकी वजह से हमारे देश का और लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उनके पास पैसा आता है। अब हमें बताया गया है कि
क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम रिसोर्सेज का, तो हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पे, बायोटिक एबायोटिक। अब हम लोग ये वाला ना पूरा आगे से देख लेते हैं, ये जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब ओरिजिन के बेसिस पे देख लीजिए तो बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जिसमें लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, फिश वगैरह। एबायोटिक होता है जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि पत्थर हो गया, मेटल्स हो गए, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब एबायोटिक होते हैं। एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो रीन्यूएबल होते हैं, वो तो कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो दोबारा के दोबारा रीन्यू होते रहते हैं, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए, इसमें बताया गया है कि जो मतलब चेंज हो सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। चेंज कैसे होते हैं? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस तीन ही प्रोसेस होते हैं जिससे कोई चीज़ चेंज हो सकती है। अब जैसे कि सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी, जब तक हमारा जो सूरज है वो मतलब एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी उसकी एनर्जी, तब तक हमें मिलती रहेगी, और वो तो मिलियन ऑफ ईयर्स, और वो कॉन्सेप्ट भी अलग है कि वो मतलब डॉफ स्टार बनेगा, सुपरनोवा वगैरह, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। तो मतलब जो सूरज की रोशनी है वो भी कभी ना कभी, कभी अभी हमारे लिए तो नहीं ख़त्म होगी, इसलिए वो रीन्यूएबल है। रोज़ रोज़ नई नई, सुबह से जब रात होती है, रात से सुबह होती है, दोबारा में सूरज की रोशनी मिलती है। हवा, पानी, फॉरेस्ट, हमारे वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे रीन्यू हो सकते हैं, पेड़ भी दोबारा लग सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल हम लोगों ने देख लिया था फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये दोबारा हम लोगों को नहीं मतलब रीन्यू नहीं हो सकते, बहुत बहुत समय लगता है इनको रीन्यू होने में। जैसे कि मिनरल और फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में कहीं जा करके बनते हैं, तो एक एक लाइफ साइकिल में तो वो दोबारा नहीं बन सकते, इसलिए उनको हम नॉन रीन्यूएबल कहते हैं। अब रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोगों ने किस किस के बेसिस पे देख लिए, एक तो ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक है, बायोटिक की कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्या होते हैं, फिर एग्जॉस्टेबिलिटी की रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा बन सकते हैं नहीं बन सकते। अब ओनरशिप के बेस पे कि ओनरशिप उस चीज़ की कैसी है, तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, एक नेशनल रिसोर्स होता है, मतलब जिस रिसोर्स पे पूरे देश का हक होता है, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप विंड मान लीजिए, विंड एक नेशनल रिसोर्स है एक देश का, या फिर रोड मान लीजिए, विंड तो खैर नेचुरल रिसोर्स है और आप नेशनल भी कह सकते हैं, नेशनल रिसोर्स सभी कुछ एक तरह से नेशनल रिसोर्स ही होते हैं। अगर देश की सरकार चाहे तो कुछ भी आपको दे सकती है और कुछ भी आपसे ले सकती है, उसके पास ये हक होता है। तो नेशनल रिसोर्स में जैसे कि आपके सड़कें हो गई, कैनाल हो गए, डैम्स हो गए, रेलवे हो गया, बसेस हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। इसमें आप और भी चीज़ें ला सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट, सब कुछ जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है किसी भी देश की, वो होता है हमारे नेशनल रिसोर्स। और जो ओशियनिक एरिया में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जैसे कि हम लोग लैंड पे जब होते हैं तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए जनरली किलोमीटर की यूनिट का यूज़ करते हैं, और बट अगर हम लोग ओशन में होते हैं तो हम लोग नॉटिकल माइल्स यूज़ करते हैं। तो इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड है ये बात कि एक देश के 12 नॉटिकल माइल एरिया तक उसका खुद का हक होता है, और 12 नॉटिकल माइल अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो वो होता है 22.2 किलोमीटर। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, और 200 नॉटिकल माइल्स के अराउंड ओशन में, जैसे कि समुंदर है उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक तो किसका हक है, किसी देश का, उससे, और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तो ओपन सीज होते हैं जिनको हम हाई सीज भी बोलते हैं, क्योंकि उस पर किसी भी देश का हक नहीं होता है और उस पर कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज, और जो इनको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, और इनको यूज़ करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। अब डू यू नो में देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया को राइट मिला हुआ है माइन करने के लिए, खुदाई करने के लिए मैंगनीज नोड्यूल का, कहाँ से, इंडियन ओशन के बेड से, मतलब ओशन का जो सरफेस है ना, जो ओशन का बेड है, उसमें से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो माइन कर सकती है मैंगनीज नोड्यूल्स, और वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड लाया करता है, मगर हमें परमिशन मिली हुई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो किस तरीके से वो डेवलप हुए हैं उस पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो मतलब ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, मगर आगे जाके हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को एग्जाम्पल दिया है कि विंड और सोलर एनर्जी कई सारे पार्ट्स हैं हमारे देश के जहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करी है, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि विंड और सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाए, बट अभी इतने अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी भी एक पोटेंशियल एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी भी, काफ़ी सारी एनर्जी ऑफ
सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो भी पोटेंशियल है हमने उनको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो मतलब जिनके बारे में हमें सब कुछ पता होता है, उनकी क्वांटिटी कितना नंबर है उनका, उनकी क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है और वो टेक्नोलॉजिकली हम लोग को फिजिबल भी है, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं, तो होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक होता है जिसकी पास पोटेंशियल तो है ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, मगर हमारे पास अभी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको किस तरीके से एक्सेस करें। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है टू इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, मतलब उनकी जो ज्वलन शक्ति है वो काफ़ी अच्छी खासी है, मगर हमें ये नहीं पता है कि हम उनको यूज़ कैसे करें। तो वो एक रिच रिसोर्स है फ्यूचर के लिए, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, तो वो एक स्टॉक हो गया। रिज़र्व क्या होता है? रिज़र्व एक सबसेट होता है, एक छोटा पार्ट होता है स्टॉक का, जिसको हम लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बट क्या है, अभी तक उसका यूज़ बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। हमारे पास मतलब टेक्नोलॉजी भी है, यूज़ भी कर सकते हैं, मगर हम उसको इतना यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वाटर से, बट हम लोग इतना नहीं यूज़ कर पा रहे जितनी उसकी पोटेंशियल है। जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज़ फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब रिजर्व में हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सटेंट पे ही यूज़ करते हैं, बल्कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है फिर भी हम नहीं करते, तो वो एक रिजर्व हो जाता है। अब ये जो है नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।